नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जालौन जनपद की मुख्यालय उरई की बेटी शुमरा अंसारी ने यूपीपीएससी परीक्षा में डिप्टी जेलर के पद पर सिलेक्ट हो जाने के बाद जनपद का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर आज शुमरा अंसारी के आवास के बाहर स्थानीय लोगों के द्वारा फूल मालाएं बरसाकर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं शुमरा के परिजनों में और स्थानीय वासियों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी, जिसके बाद जनपद जालौन के मुख्यालय उरई की बेटी शुमरा अंसारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए लोगों को एक अच्छा संदेश भी दिया। आपने यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया हुआ है और आज जनपद में पहली बार आप आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरा बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ। मैं लखनऊ में थी जिस वक्त मेरा रिजल्ट आया, बट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेरा आदर सत्कार हुआ था, लेकिन यहाँ का रिस्पांस बहुत ही अलग था और बहुत ही अच्छा। सफलता का श्रेय किसको देंगे और सच्ची इच्छा कहाँ से हुई है? सफलता के श्रेय में सबसे पहले अपने माँ बाप को देना चाहूंगी, उससे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। लेकिन मेरी सफलता कोई एक चीज पर नहीं थी, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, हर एक स्टेज पे जो भी टीचर्स मिले उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करा है। किसी ने ग्रेजुएशन के लिए, किसी ने गोल्ड मेडल के लिए, किसी ने नेट के लिए और फाइनली यूपीएससी के लिए या फिर यूपीपीसीएस के लिए। इसके बाद थम जाएंगी कि और भी आगे तैयारी करने आईएएस बनने के लिए कोई प्रिपरेशन करेंगी? अभी तो मैं इस चीज को मतलब कि शुक्रगुजारी के साथ एंजॉय करूंगी, लेकिन मैं आगे बढ़ती रहूंगी। अभी मुझे यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना है और उसमें मैं ट्राई करूंगी कि मेरी अच्छी से अच्छी रैंक। बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना? जी हाँ, असल में एक टेंडेंसी है कि लोग जैसी प्रिपरेशन शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज की तो वो फौरन दिल्ली भाग जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ कोचिंग सेंटर्स में बड़ी लाखों फीस देनी पड़ती है। लेकिन अब वो ऑनलाइन स्टडीज का इतना अच्छा मतलब कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो किसी भी उससे पहले आप सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करिए, एंड दैट इज द फाउंडेशन। अगर वो आपकी फाउंडेशन अच्छी हो जाती है तो आगे चल के आपको बहुत आसानी पड़ेगी। तो ये मतलब कि धन और या फिर फाइनेंशियल कंडीशन तक लिमिटेड नहीं होता। लाइक आप किसी भी बैकग्राउंड से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं आराम से। यू डोंट नीड टू बी एन आईआईटीएन और आईएमए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।